दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जब से एनडीए की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर अब तक देश की सियासत में हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है। इसी बीच अब बांग्लादेश के जो सियासी हालात है वो भी मोदी सरकार के लिए बड़ी चिंता की वजह बन गए है। क्यों? क्योंकि आरक्षण के चलते बांग्लादेश में पिछले कई हफ्तों से हिंसक माहौल बना हुआ था। इसी साल फिर से प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग हो रही थी और आज शेख हसीना को देश और सत्ता दोनों छोड़कर भारत आना पड़ा। अब बताया ये जा रहा है कि यहां से शेख हसीना लंदन जा सकती है। मोदी सरकार ने उन्हें बांग्लादेश से सुरक्षित भारत लाने में मदद तो की है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं जब मोदी जी यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं तो बांग्लादेश के हालात पर भारत, खासकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों कुछ नहीं कर पाए? क्या बांग्लादेश के तख्ता पलट से भारत पर असर पड़ेगा? क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? इसकी संभावना है, क्योंकि विपक्षी नेताओं को जेल भेजना, बेरोजगारी पर कुछ न करना, महंगाई पर कुछ नहीं, किसानों की बात ना सुनना, तो सरकार को सोचना चाहिए कहीं बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। बांग्लादेश में छात्रों का विद्रोह बेकाबू हो चुका है, प्रदर्शनकारी ढाका में घुस आए हैं। शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा। छात्र और नागरिक शेख हसीना के सरकारी आवास में घुस गए जहां वे 2009 से रह रही थी। आरक्षण हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन गोलीबारी के कारण प्रदर्शन ने कुछ और ही मोड़ ले लिया और हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। दुनिया भर में बांग्लादेश के नागरिक जश्न मना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के घर में घुसकर तोड़फोड़, लूट और आगजनी की। इसके साथ ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर भी हमले हो रहे हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल बांग्लादेश में सेना ने कमान संभाल ली है और उन्होंने जल्द ही अंतरिम सरकार के गठन का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश की एक जेल से 500 कैदी फरार हो गए हैं। हथियारबंद लोगों ने जेल में आग लगा दी। भीषण आगजनी और हिंसा के बीच खबर आ रही है। इस बीच सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ते हुए भी देखे गए हैं। दरअसल बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने तब शुरू हुआ था जब छात्रों के एक गुट ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने वाले सैनिकों के परिवार को सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे 30% आरक्षण को खत्म करने की मांग उठाई थी। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि पूर्व सैनिकों के परिजनों का आरक्षण घटाकर 5% किया जाना चाहिए और 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जानी चाहिए। 2% का कोटा जातीय अल्पसंख्यकों को, ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए रखा जाए। दोस्तों, जो घटना बांग्लादेश में घटी वह केवल वहीं को प्रभावित नहीं करेगा, उसका प्रभाव भारत और पाकिस्तान पर भी पड़ा है। एक तरह से रोहिंग्या की समस्या पर भी शेख हसीना ने काफी हद तक लगाम कसी थी, अब उनको भी दम मिलेगा। जमात जब सत्ता की पृष्ठभूमि में रहेगा तो रोहिंग्या के वेपनाइजेशन का भी रास्ता खुलेगा, इससे फिर म्यांमार पर भी प्रभाव पड़ेगा। आखिर आजकल कोई भी घटना किसी देश में हो तो वह स्थानीय तो रहती नहीं, उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी होते हैं, तो वो हो ही रहा है, उसका प्रभाव दिखने लगा है। ब्रिटेन ने राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया है। वहां बांग्लादेशी शरणार्थी काफी उत्पात मचाए हुए हैं और वहां छुरेबाजी की घटना के बाद स्थानीय जनता इन बांग्लादेशी शरणार्थियों के खिलाफ लामबंद हो गई है। ब्रिटेन के घरेलू हालात भी बहुत ठीक नहीं है। जहां तक भारत के शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने या ना देने का सवाल है तो भारत का तो इतिहास रहा है कि वह दलाई लामा को शरण दे चुका है, शेख हसीना के परिवार को भी पहले शरण दे चुका है।
मानवीय आधार पर तो 100% हकदार है शेख हसीना राजनीतिक शरण पाने की। जो बांग्लादेश में हालात बन गए हैं, भारत उन्हें वहां का आंतरिक मामला बताकर किनारे हो सकता है, क्योंकि इसी बांग्लादेश के गठन में इंदिरा गांधी ने जो भूमिका निभाई है उसे आज भी पूरी दुनिया याद करती है। भारत बांग्लादेश के साथ में काफी बड़ी मात्रा में व्यापार करता है। देश में फैली हिंसा की वजह से भारत के कारोबार पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। दोनों देश कई सारी चीजों का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। प्रदर्शन और हिंसा की वजह से बांग्लादेश के उद्योग काफी लंबे टाइम से बंद है। वे दूसरे देशों में किसी भी सामान को भेजने से बच रहे हैं। अगर लंबे टाइम तक ऐसी स्थिति बनी रही तो भारत में कई सारे प्रोडक्ट्स की कीमतों पर भी काफी असर पड़ सकता है। बांग्लादेश से भारत केवल कपड़े के माल का ही आयात नहीं करता, बल्कि जूट, रबर, खाद्य तेल और सब्जी तेल का भी आयात करता है। वहीं भारत भी कुछ निर्यात करता है। इसमें चावल, रुई, सूती कपड़ा, गेहूं और गेहूं से बनी चीजें हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को 1,220 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है। बात करें बांग्लादेश से भारत आने वाले सामानों की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1,154 सामानों का आयात किया गया। यह करीब 2.02 अरब डॉलर का था। वहीं इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में आंकड़ा महज 1.97 अरब डॉलर ही था। भारत और बांग्लादेश के बीच में मजबूत संबंधों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों ने भारतीय रुपये में ट्रेड शुरू करने का एक अहम कदम उठाया था। भारत में मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भारत का दौरा किया था और 22 जून को पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। इस दौरान कई सारे समझौतों पर भी मुहर लगी थी। चाहे जो भी हो, भारत की शेख हसीना से काफी करीबी है और उनके खिलाफ बढ़ती नफरत का असर भारत के खिलाफ होना तय है। हसीना वाजिद की शुरुआत अच्छी थी। 1996 में पहली बार और 2008 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बन उन्होंने लंबा राज किया। उनकी शुरुआत अच्छे दिन और लोकतंत्र के वादे की थी, लोकतांत्रिक राजनीति के व्यवहार की थी। निर्विवाद है कि उनकी कमान में बांग्लादेश ने कपड़ा उद्योग में कमाल किया, दुनिया में बांग्लादेश का नाम हुआ। उसने भारत को प्रति व्यक्ति आय में पछाड़ा, लेकिन फिर हसीना वाजेद में अहंकार जागा, सत्ता की भूख बनी और विपक्ष को खत्म करना शुरू किया। अघोषित इमरजेंसी, तानाशाही और जोर जबरदस्ती का वह सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों की राजनीति और चुनाव प्रक्रिया में विश्वास ही खत्म हुआ। चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठे, लोगों का भरोसा टूटा और विपक्षी के चुनावी बहिष्कार का सिलसिला शुरू हुआ। हालिया जनवरी 2024 के आम चुनाव में भी विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया। पूरी दुनिया में आतंक और खौफ के माहौल में हुए एक तरफा चुनावों की निंदा हुई, तब हसीना वाजिद के साथ यदि कोई खड़ा था तो वह अकेले भारत था। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सामरिक सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, विदेश मंत्री जयशंकर आदि ने हसीना वाजिद को समझाने, सुधरने और लोकतंत्र तथा चुनाव को साफ सुथरा बनाने जैसी कोई सलाह नहीं दी। तभी बांग्लादेश में धारणा बनी कि भारत की मोदी सरकार तानाशाह प्रधानमंत्री हसीना वाजिद की संरक्षक है। भारत ने अपनी प्रतिष्ठा हसीना वाजिद के लिए दांव पर लगाई। अमेरिकी प्रशासन द्वारा शेख हसीना की गिरती राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया, तो भारत में लोगों ने जमीन पर बदलती वास्तविकता को अपनाने की बजाय वॉशिंगटन पर ही सवाल उठाए। बांग्लादेश में हसीना वाजिद का विकास क्रोनी पूंजीवाद के उसी मॉडल पर है जैसा भारत में है। तभी आर्थिक असमानताओं में बांग्लादेश में भी रिकॉर्ड तोड़ गरीब बनाम अमीर का अंतर है। भारत की ओर से बांग्लादेश में मोदी सरकार की ताकत के बूते अडानी समूह ने भी हसीना सरकार के बड़े कारोबारी सौदे पटाए हुए हैं। इसलिए ये खबरें समझ में आती है कि आंदोलनकारियों ने उत्पात, हिंसा में भारत के झंडे, दोनों देशों की मैत्री के होर्डिंग पर अपना गुस्सा क्यों निकाला। लाख टके का सवाल है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसकी भनक क्या भारत को थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बताए कि क्या उनको और उनकी एजेंसियों को अनुमान था
कि हसीना वाजिद की सरकार अचानक ढह भी सकती है। बांग्लादेश में लोगों का गुस्सा और खदबड़ाहट का भारत सरकार को कोई आकलन था या नहीं, या यही माना कि नौजवानों का गुस्सा खूब ठंडा पड़ जाएगा। भारत में लोकतंत्र पुख्ता है, पक्ष विपक्ष की वह राजनीति नहीं है जो दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में है। सवाल है उस राजनीति में क्या गिरावट नहीं है। मोदी सरकार के शासन में भारत भी तो लोकतंत्र की कसौटी में वैसे ही वैश्विक बदनामी लिए हुए है जैसे हसीना सरकार की थी। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद की स्थिति पर भारत सरकार पूरी नजर रख रही है। केंद्र ने यह जानकारी सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को दी। सरकार ने बताया कि अभी बांग्लादेश में 12 से 13 हजार भारतीय हैं। बैठक में केंद्र सरकार ने बताया कि हम बांग्लादेश में हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जो भी स्थिति होगी उसके बारे में विपक्ष को बताया जाएगा। वहां से करीब 8000 भारतीय स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं, बाकी लोगों को निकालने का भी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि अभी शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विपक्ष संतुष्ट है। बैठक में राहुल गांधी ने पूछा, क्या बांग्लादेश की स्थिति में विदेशी हाथ है? भारत का इस स्थिति को लेकर क्या कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? बांग्लादेश की नई सरकार को लेकर भारत का एक्शन प्लान क्या होगा? दोस्तों, सभी देशों में बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों ने नौजवानों का जीना मुश्किल किया हुआ है। हर देश आर्थिक कुप्रबंधों, आर्थिक असमानता और अपने अपने अडानी अंबानी लिए हुए है। सभी देशों में क्रोनी पूंजीवाद और भ्रष्टाचार है। सभी देश जलवायु परिवर्तन और आपदाओं विपदाओं के मारे है। बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में राजनैतिक अराजकता बनी। वहां के राष्ट्रपति ने भी भागकर दूसरे देश में शरण ली। उस आंदोलन के अगुवा भी नौजवान थे। ऐसे ही हालात पाकिस्तान में इमरान खान ने अपने अहंकार में अपनी राजनीति चमकाई तो संकट हुआ। ऐसा ही नेपाल यदि अस्थिरता के भंवर में है तो इसका जमीनी कारण नौजवानों की बेगार भीड़ से नेताओं की बेचैनी है। इसलिए भारत की 140 करोड़ लोगों की आबादी में 90 करोड़ नौजवानों को लेकर सोचना जरूरी है, जिनमें नौकरियों के लिए फड़फड़ाहट है, आरक्षण की भूख है, विपक्षी नेताओं को जेल भेजना, बेरोजगारी पर कुछ न करना, महंगाई पर कुछ नहीं करना, किसानों की बातें नहीं सुनना, उनकी डिमांड नहीं मानना। इसलिए अब सरकार को सोचना चाहिए कहीं बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ना हो जाए। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।